आईपीएल की हर खबर हर विश्लेषण सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप के विनर, फोर टाइम नेशनल चैंपियन बॉक्सर शिवा थापा, ओलंपियन है शिवा थापा। शिवा, बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शिवा, नेशनल चैंपियनशिप एक बार फिर आप जीते हैं, ये पहली बार नहीं है, लगातार नेशनल चैंपियन बनते आए हैं, सीनियर प्रो थे आप और कल रात फिर आपको एक और जीत मिली नेशनल चैंपियनशिप में। कितना आसान था एक यंग बॉक्सर के खिलाफ जीतना? जी डेफिनेटली कंपटीशन, जैसे कि आप जानते हैं, इट्स नेवर इजी, कभी आसान नहीं होता, और मैं कभी कोई भी फाइट लाइट नहीं था अपनी लाइफ में, तो जस्ट लाइक एनी अदर कंपटीशन, सो दिस कंपटीशन वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड बहुत ही अच्छा फाइट्स थे। फाइव फाइट्स मैंने खेले कंटिन्यूअस पांचों दिन, और अच्छे बॉक्सर्स के साथ खेले, यूथ के बॉक्सर्स थे, कुछ सीनियर बॉक्सर्स थे, तो इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। और आई थिंक आफ्टर द एशियन चैंपियनशिप रिसेंटली, जहां मैंने सिल्वर मेडल जीता था दुबई में, तो उसके बाद ये एक अच्छा एक एक्सपोजर था हमारे लिए, बिकॉज अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारा आ रहा है आगे, तो उसके लिए ये एक अच्छा हमारे लिए कॉम्पिटिशन फेज रहा है। हाँ जी, अपनी यूथ बॉक्सर्स की बात की, तारीफ की, कितने नए प्रतिभा आ रही है एक यूथ बॉक्सर्स की इंडिया में, उनके बारे में बताइए, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे थे उसमें सारे उनके सब बॉक्सर्स के लिए पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, आप एक लौते बॉक्सर्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस है वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर, तो किस तरह देखते हैं नए बॉक्सर्स को लेकर आप? ये डेफिनेटली देखिए, ये मिक्सचर ऑफ यूथ और जो सीनियर बॉक्सर्स का है, ये हमेशा मतलब रोमांचक रहा है। किसी भी टूर्नामेंट में हम जाते हैं, लास्ट टाइम जब 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गौरव बिदुरी का ब्रॉन्ज आया था, सो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल कि हमने यू नो व्हेन देयर इज अ मिक्स ऑफ टैलेंट ऑफ फ्रॉम द यूथ एंड फ्रॉम द सीनियर, तो देयर इज ऑलवेज यू नो अ गुड परफॉर्मेंस, और वी कैन से लाइक यू नो देयर इज अ गुड शो that we put in the championship. So definitely this time there are many budding talents that has come up, aur is senior national mein bahut sare naye naye senior national champions bane hain jo youth se aaye hain, so I'm looking forward very positively to this, and we prepare hard for the coming world championship. वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हम शिवा करेंगे, पर मुझे ये बताइए, ये पूरा कोविड पीरियड आपके लिए कितना टफ था, फिर उसके बाद टोक्यो जाना, टोक्यो में सक्सेसफुल नहीं रहना, उसके बाद आकर फिर से नेशनल की तैयारी करना और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना, ये पूरा पीरियड आपके लिए कितना टफ था? I think life has always been tough, but at the same time it has been a blessing, because agar life mein ups and downs nahi aayenge to how can we be tough? And I think boxing एक ऐसा sport है मेरे लिए जो मुझे not just मेरे को मुझे medal दिया है इस sport ने, बल्कि मुझे एक life experience दिया है, you know, मुश्किलों से उभरना सिखाया है, comeback करना सिखाया है, bounce back करना सिखाया है, so I feel that कि जब भी कोई competition में performance आती है या नहीं भी आती है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इससे मैं अपने आने वाले भविष्य में जो भी competition है, जो भी टूर्नामेंट्स है, मैं उसके लिए अपने आप को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकूं, तो उसी तरीके से मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है कि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टीम, जो हमारी टीम बनी है इस नेशनल के बाद, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडल हमारे देश को इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में दें। टोक्यो के बाद आपने अपने आप को आपने कैसे गैदर किया था? Like I said, qualify hona Olympics ke liye is a dream for every athlete. But since I have already been into two Olympics back to back, so my focus is to win a medal, and that's the only goal that I have for the future. And 2024 Paris, I'm looking forward to it. इस पूरे कोविड फेज ने आपको क्या-क्या सिखाया है, कितना एक लर्निंग कर्व रहा है ये आपके लिए? हाँ जी कोविड मेरे लिए और मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ इन्हें कोविड के दौरान हमें ओवरकम करना सिखाया चैलेंजेस को अपने लाइफ में, और किस तरीके से हम सिचुएशन और हालात जब हमारे हाथ में नहीं रहते, हमारे काबू में नहीं रहते, हमें किस तरीके से अपने आप को ग्राउंडेड रख के, अपने आप को पॉजिटिव रख के, एक यू नो पॉजिटिवली हमें अपने फ्यूचर को देखना, और एक साथ सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यूनिटी हमें सिखाइए,
इस कोविड माहौल में हम सब एकजुट होके एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के का सहारा बन के हम निकल के आए हैं, तो हमें वो जो वननेस है, हमें वननेस सिखाया इस कोविड ने। और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट पूरी जिंदगी में मतलब सबसे बड़ा एक मेरे लिए ये बदलाव आया है ड्यूरिंग कोविड। और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अभी इस एक्सपीरियंस को हम आने वाले समय में हम फॉर ह्यूमैनिटी हम बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। किस तरह से आप ट्रेनिंग करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? क्या आप इंडिया में ट्रेन करेंगे या बाहर जाके ट्रेन करने की आप एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, क्या रहेगा आपका? जी फिलहाल तो हमारा नेशनल कैंप जो है अभी आफ्टर दिस नेशनल चैंपियनशिप नेशनल कैंप अनाउंस होगा वेरी सून, और वी विल जॉइन द कैंप एंड उसके बाद जैसे भी प्लानिंग हमारी कोचेस फेडरेशन और साई करेंगे उस हिसाब से हम विल लुक फॉरवर्ड टू इट। और आप चाहते हैं बाहर जाके ट्रेन करना क्योंकि वो बेहतर रहेगा आपके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? आई थिंक डेफिनेटली ये हमेशा से बेहतर रहा है, हमेशा से अच्छा रहा है। हम जब भी क्रॉस का ट्रेनिंग करते हैं इंटरनेशनल जाके दूसरी कंट्रियों के साथ एक्सपायरिंग वगैरह करते हैं और तो हमेशा ये फ्रूटफुल रहा है हमारी टीम के लिए। तो आई थिंक डेफिनेटली देर इज डेफिनेटली सम प्लान्स दैट कोचेस हैव प्लान्ड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप इसी वेट कैटेगरी में ही खेलेंगे 63.5 वेट कैटेगरी में? Definitely, you will be in that category. Me, khelunga me, and I feel very strong. I feel confident in this weight. Shiva, आप का क्या expectations रहेगा world championship से? क्या उम्मीदें रहेंगी world? Definitely, मैं हमेशा से ये कहते आ रहा हूँ कि जो भी tournament, जो भी competition, जो भी मेरा target रहता है, मैं अपना best करना चाहता हूँ उसमें। अपना जो फुल मेरा पोटेंशियल है, मैं चाहूंगा कि मैं मैंने जो कुछ सीखा है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं अपना सारा 100% वहाँ पे दूँ। और बिकॉज टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, यहाँ पे सारे ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक विनर्स, ओलंपिक चैंपियंस आते हैं 2 times, 3 times, तो हमारे लिए ये स्टेज पे जाके परफॉर्म करके मेडल लाना हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमेशा से हमारा रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया है, तो इस बार वो मेडल की जो टैली है मेरे ख्याल से मैं उसको दुगना या तिगना करना चाहूंगा। हम और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश है। आपका ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक्सपीरियंस रहा है, सक्सेसफुल रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो एक्सपीरियंस कितना मायने रखेगा आपके लिए? डेफिनेटली बहुत मायने रखेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत सारी कंट्री आती है और बहुत सारी फाइट्स आपको मिलती है खेलने को, तो आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरा, और उसको लेके मैं आगे आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप को कोचेस के साथ बैठ के जिस तरीके से हमारी प्लानिंग होगी उसी हिसाब से मैं परफॉर्म करना चाहूँगा। लास्ट सवाल शिवा आपसे, क्योंकि आप सबसे एक्सपीरियंस बॉक्सर रहेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए, बाकी सब जो हमारे बॉक्सर्स हैं उनका मेडन वर्ल्ड चैंपियनशिप रहेगा, वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर ऑल दीज यंग बॉक्सर्स? वर्ड ऑफ एडवाइस दैट यू नो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, हार्ड वर्क, डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस, एंड मेरे लिए हमेशा से यही रहा है। और नो मैटर व्हाट, हमें हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट देना है। वी हैव टू नो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। So the moment we enter the ring, we have to think I am the champion. I always have to have need to have this belief that I am the champion. So this is what I say that I am the champion, and I believe truly believe that, and I firmly believe that. Hamari jo team hai, jo youth se, jo ubhte hue sitare, is baar world championship mein bhag lenge. Definitely they will perform very well. कितनी medals की उम्मीद कर सकते हैं हम India से world championship में? More than one. More than one. बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमसे बात करने के लिए और स्पोर्ट्स तक से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन नेशनल चैंपियनशिप जीतने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपका वही सक्सेस रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।